तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। टीम इंडिया ने धमाल की जीत हासिल करी अफगानिस्तान के खिलाफ और वर्ल्ड कप में जिस अंदाज में टीम इंडिया जीती है, जाहिर तौर पर टीम इंडिया की बहुत कह सकते हैं कि आने वाले मुकाबलों को लेकर टीम इंडिया की बड़ी बात सामने आ रही कि टीम इंडिया से भाई साहब अब पाकिस्तान भी खौफ खाएगी। टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत से, रोहित शर्मा की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के सामने अब पाकिस्तान भी खौफ खाएगी। लेकिन टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत के पांच हीरो कौन से हैं, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले हीरो से और सबसे बड़े हीरो से। सबसे पहला और सबसे बड़ा हीरो रोहित शर्मा। जी हां, कप्तान रोहित शर्मा ने भाई साहब आज कमाल की बल्लेबाजी करी। आज तूफान मचा दिया रोहित शर्मा ने और जाहिर तौर पर जिस अंदाज में रोहित शर्मा खेले हैं, कई बड़े विश्व रिकॉर्ड खड़े कर दिए रोहित शर्मा ने, कई ऐसे कारनामे रोहित शर्मा ने बना दिए जो अब से पहले वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं बने थे। बात चाहे छक्कों की कर लीजिए, बात चाहे सबसे तेज शतक की कर लीजिए, बात चाहे सबसे तेज 1000 रन की कर लीजिए, आज रोहित शर्मा के ये मैच पूरी तरीके से रोहित शर्मा के नाम दर्ज हो गया। ये मैच रोहित शर्मा के लिए याद किया जाएगा क्रिकेट के इतिहास में, ये मैच रोहित शर्मा के नाम से हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर आज के मैच के सबसे बड़े हीरो रोहित शर्मा। उसके बाद अगर दूसरे हीरो के तौर पर मैं देखूं तो दूसरे हीरो के तौर पर उनके साथी जसप्रीत बुमराह। जी हां, जसप्रीत बुमराह आज के मैच के दूसरे हीरो रहेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी में 4 विकेट चटकाए हैं, ये बातें भूलनी नहीं होंगी। कमाल की परफॉर्मेंस जसप्रीत बुमराह ने करके दिखाई है। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद अफगानिस्तान 300 से ऊपर जाएगी, ऐसे में जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई है और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस जसप्रीत बुमराह ने करके दिखाई है। तो जाहिर तौर पर जसप्रीत बुमराह दूसरे हीरो रहेंगे। तीसरे हीरो के तौर पर बर्थडे बॉय कौन है पता है ना आपको? हार्दिक पांड्या। आज जन्मदिन था हमारे हार्दिक पांड्या का और जन्मदिन के मौके पर ना केवल 2 विकेट लिए बल्कि भाई साहब मध्यम क्रम को तोड़कर रख दिया अफगानिस्तान के मध्यम क्रम को, और जिस अंदाज में गेंदबाजी की, मजा आ गया हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी को देखकर। तो बर्थडे बॉय का दिन बन गया, आज हार्दिक पांड्या का जन्मदिन भी था और अपने जन्मदिन के मौके पर टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाने में अपना अहम योगदान भी निभाया। तो जाहिर तौर पर गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की एक मजबूत कड़ी बनते जा रहे हैं, कमाल की परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या मेरी जीत के तीसरे हीरो रहेंगे। उसके बाद में चौथे हीरो के तौर पर मैं देख भाई साहब किंग कोहली। अपने घर का मैदान था, कमाल की परफॉर्मेंस की दिल्ली के मैदान पर। वैसे भी विराट कोहली का बल्ला बहुत चलता है विराट कोहली का बल्ला दिल्ली के मैदान पर, और विराट कोहली की बल्लेबाजी देखिए जिस अंदाज में अर्धशतक लगाया, कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाई विराट कोहली ने। तो ये मेरी जीत के चौथे हीरो रहेंगे। और पांचवे हीरो के तौर पर मैं ईशान किशन को रखूंगा, क्योंकि ईशान किशन ने बेहतरीन साझेदारी रोहित शर्मा के साथ करके दिखाई थी। ओपनिंग साझेदारी बेहतर शुरुआत ईशान किशन ने दी थी। तो पांचवे हीरो के तौर पर ईशान किशन मेरी टीम में रहने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया की जीत के पांच हीरो, सबसे बड़ा हीरो क्या रोहित शर्मा। कमाल की यार, हिटमैन ने यार दिल जीत लिया जिस अंदाज में बल्लेबाजी करके दिखाई और एक ही मैच में भाई साहब 5-6 विश्व रिकॉर्ड बना दिए। सोचिएगा, एक मैच में 5-6 विश्व रिकॉर्ड बनाना छोटे मोटे रिकॉर्ड नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना एक मैच में 5-6, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। और बहुत कम ऐसे मैच होते हैं जब एक ही मैच में इतने सारे रिकॉर्ड बने और वो भी वर्ल्ड कप के मैच में अगर बने तो अपने आप में ये मैच यादगार रहता है। और इसीलिए भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला जो दिल्ली में हुआ, इस मैच को वर्ल्ड कप के इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा, खास तौर पर रोहित शर्मा के वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। तो आपका टीम इंडिया की इस जीत पर क्या कहना है, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर क्या कहना है, और साथ ही आपकी नजर में टीम इंडिया का सबसे बड़ा हीरो कौन है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।